हेलो हाय हरे कृष्णा हरे राम नमस्ते सुमन हेलो कुणाल हेलो मैम हेलो अक्षय हाय लोकेश हेलो सुराना साहिल 14 जय श्री राम अलॉस्ट एक्टिविटी जय श्री कृष्णा आफ्टर अ लॉन्ग डेज नाम लो मैम प्लीज ओ क्रीना एक बार मेरा नाम लो मैम प्लीज ओहो माय गॉड बहुत बड़ी फैन राम राम हेलो हेलो हाय जय श्री राम जय महाकाल हेलो हाय हेलो पवन सोंदिया सचिन हेलो राधे राधे जय माता दी महाकाल का दीवाना जय श्री राम जय श्री राम हेलो हेलो हाय हर हर महादेव हर हर महादेव ओके किसका नाम लेना पहले नाम ले लेते कहाँ गया ओके हिमांशु 8945 हेलो चलो अभी बात को शुरू करते हैं बजरंग दल बहुत बहुत धन्यवाद जुड़ने के लिए दत्ता एस आर नारायण नारायण उत्तराखंड से विशाल संगा हेलो बिग फैन मैम हेलो जय श्री राम हेलो चलिए एक बार बात कर लेते हैं किस किस ने पहले कश्मीरी फिल्म देख ली पर वो मुझे बता जिसने लॉन्ग टाइम आपकी कोई रील नहीं आई लाइक द सॉन्ग मंगल भवन मंगल हारी फेवरेट वन एक्चुअली मैं बना नहीं पा रही हूँ वीडियोस अब आएंगी अच्छी वीडियोस बनाऊंगी अब मैं प्लीज़ मेक वन वीडियो को कश्मीर पंडित मुझे भी बनानी है ये वीडियो बाकी मुझे लगता है कि मूवी की वजह से काफ़ी इन्फॉर्मेशन आप लोगों को मिल चुकी होगी काफ़ी लोगों को पता लग चुका होगा कि क्या हुआ कैसे हुआ सब कुछ अच्छा एक बार थम्सअप दीजिए जिसने कश्मीरी फाइल्स देख ली है कल पेपर खत्म होंगे जी परसों देखेंगे बहुत बढ़िया ओके यू आर मच पॉपुलर एट टिकटॉक हाँ जी ललित सिंह लेकिन टिकटॉक बंद हो गया कोई बात नहीं मेरे मिलियन होने वाले थे मैंने देख ली मैंने कश्मीर में ओके बहुत बहुत धन्यवाद जिसने मेरी सुनकर कश्मीरी फाइल्स देखी है बाकी तो लोगों ने अपने आप ही देख ली होगी इतनी हिट जा रही है मूवी बहुत ज़्यादा अच्छी है दंगल के बाद जो मतलब इतने हफ्तों तक लग रही है और हाउसफुल हो रहा है वो कश्मीरी फाइल्स ही है ओके बाकी ऐसा भी हो रहा है कि जगह नहीं मिल रही है थिएटर्स में दंगल के बाद ये इतना पैसा कमाने वाली पहली मूवी है अच्छा थिएटर फुल आप लोगों की वजह से ही हो रहा है और जो इसको गिराने की कोशिश कर रहे थे जो इसकी रेटिंग गिराई थी लोगों ने वो भी अब बढ़ रही हैं बाकी जो रेटिंग गिराई है अगर रेटिंग नहीं गिराई होती तो फिल्म को ऑस्कर मिल चुका होता ऑस्कर मिलने के लायक बन चुकी होती है मूवी लेकिन काफ़ी रेटिंग्स गिरा दी जो 2% रेटिंग भी गिरी उसकी वजह से भी ऑस्कर नहीं डिजर्व करेगी मूवी उन्होंने सारी बातें नहीं दिखाई देखो अब तो बातें बनेंगी ही क्या नहीं दिखाया और क्या दिखाया गया है मेरे हिसाब से जो डायरेक्टर है उन्होंने खुद ये बोला था कि अगर मैं जो कश्मीर में हुआ वो पूरा मैं सच्चाई दिखा देता तो लोग विश्वास ही नहीं करते थे कि ऐसा हुआ होगा उन्होंने कहा कि अगर मैं सारी सच्चाई दिखा देता तो वो एकदम बहुत फेक लगता इतनी रियलिटी थी वहां की
वो तो बिल्कुल बहुत कम दिखाया गया तब रियल लग रहा है लोगों को। ऑफिशियल सोनू योगी जी बोलिए। ओके और लास्ट एक और बात ये कि बांग्लादेश में वापस से एक मंदिर 17 मार्च को वापस से एक मंदिर को तोड़ा गया है वहां पे, हरे कृष्ण मंदिर को, इश्कॉन टेम्पल था वापस से तोड़ा गया है, वहां के जो पुजारी थे वो भी बहुत जख्मी हुए हैं। तो इसके ऊपर भी मेरे हिसाब से मीडिया में कोई चर्चा नहीं हुई है ज्यादा, बल्कि मंदिर के टूटने के बाद तुरंत ट्विटर पे ट्वीट किया था वहां के लोगों ने, लेकिन कोई रिप्लाई नहीं आया किसी का, वहां की सरकार ने कोई एक्शन नहीं लिया। और अगले दिन 3 पुलिस वाले खड़े कर दिए मंदिर के सामने, जब कुछ होना नहीं था, कुछ बचा नहीं था उस तब। ओके छोटा सा फैन हूँ आपका, राहुल शर्मा बहुत बहुत धन्यवाद जुड़ने के लिए, कुछ करना पड़ेगा। रुको बांग्लादेश की इकोनॉमी गिराने वाली है, टेंशन मत लो। कश्मीर फाइल्स को गवर्नमेंट सपोर्ट क्यों नहीं करती, क्यों? अब तो कर रही है, अब तो सभी कर रहे हैं, हिट होने के बाद तो सभी कर रहे हैं ना। पहले जब कश्मीर फाइल्स आई ना तो किसी सेलिब्रिटी ने कोई ट्वीट करा, ना उसके ऊपर कोई एक्शन लिया, ना कुछ बोला, और हिट होने के तुरंत बाद हर सेलिब्रिटी बोल रहा है। मतलब एक भी ऐसा सेलिब्रिटी नहीं था बॉलीवुड में जिसने पहले बोला हो, हिट होने के बाद तो सभी बोल रहे हैं, अब तो कोई कुछ भी बोले। और अब तो सपोर्ट जनता कर रही है, गवर्नमेंट करे बॉलीवुड करे कुछ फर्क नहीं पड़ता इस बात से, अब जनता सपोर्ट करी, जनता सपोर्टिव बन रही है। अब कश्मीरी फाइल्स को गवर्नमेंट सपोर्ट क्यों नहीं कर रही, क्यों नहीं कर देती? देखो फ्री कर देगी तो मतलब थिएटर्स आगे भरेंगे नहीं, मतलब मेरे हिसाब से मतलब फिल्म कुछ नहीं कमा पाएगी। आपको पता है जो डायरेक्टर है उसको बॉलीवुड से कोई सपोर्ट नहीं मिल रहा है उस डायरेक्टर को, तो जब फिल्म नहीं कमाएंगी तो वो भी कैसे ही अपना घर चलाएगा ना, सबके बारे में सोचना पड़ेगा। लेकिन टिकट तो कम कर दिए उसकी, मतलब सस्ती कर दिए टिकट, तो काफी अच्छे कर दिए टिकट के दाम तो। और काफी जगह ऐसा हो रहा है, आपको मेरे हिसाब से चेक करना चाहिए, काफी मतलब जो देशवादी हैं, हिंदूवादी हैं, काफी लोगों ने ऐसी चीजें निकाली है कि जिसको मतलब दिल्ली में है एक, मैं नाम भूल गई, तो उन्होंने आपको चेक करते रहना चाहिए, मेरे हिसाब से उन्होंने निकाला है कि अगर किसी भी भाई को शनिवार को मूवी देखनी है तो मेरी तरफ से टिकट फ्री है। काफी ऐसी चीजें निकल रही हैं, मतलब कोशिश कर रहे हैं कि ज्यादा से ज्यादा लोग देखें मूवी को। और एक और चीज सुनने में आई है, मैंने क्या देखा है कि काफी जगह ऐसा हो रहा है, जैसे गुजरात में काफी हो रहा है कि जो भी कश्मीरी फाइल्स देकर आ रहा है और टिकट दिखा रहा है, खाना फ्री है या फिर मतलब कुछ भी, बहुत सारी चीजें ऐसी हो रही हैं कि डिस्काउंट मिल रहा है, मतलब एक पहल है किसी भी मतलब हिंदूवादी। यार ऐसे मत करो, ओके गाइस सॉरी सैड पीपल टू बायकॉट बॉलीवुड। देखो बॉलीवुड बायकॉट नहीं होना चाहिए, जो बायकॉट होना चाहिए वो लोग होने चाहिए जो दिखावटी हैं, दिखाने के लिए कुछ और हैं और करने के लिए कुछ और हैं। अच्छा तो मैं क्या बात कर रही थी, मैं ये बात कर रही थी काफी जगह ऐसा हो रहा है कि एक पहल है हिंदुओं को जगाने की या फिर कुछ भी लगा लीजिए, कि जहां भी कोई भी कश्मीरी फाइल्स देकर आ रहा है उसकी मूवी की टिकट दिखा रहा है। गुजरात में हुआ है जैसे कि काफी जगह पर कि खाखरा और जलेबी फ्री है अगर कोई कश्मीरी फाइल्स की टिकट दिखा रहा है, या फिर 50% ऑफ है खाने पर, या फिर कपड़ों की दुकान पर। मुझे इतना अच्छा लगा ये सब कुछ देखकर कि बोर्ड्स लगा रखे हैं, काफी जगह ऐसा हो रहा है कि लोग वो कार्डबोर्ड लेकर खड़े हैं, लिख रखा है प्लीज कश्मीरी फाइल्स देखिए। तो छोटी सी पहल है मेरे हिसाब से, उस डायरेक्टर को नमन है, उस डायरेक्टर को सैल्यूट है जिसने ये मूवी निकाली है, बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ मैं उनका। मैं चाहती हूँ कभी भी उनसे मेरी लाइफ में कभी भी मुलाकात हो। मुझे बहुत अच्छा लगा ये सब कुछ देखकर कि लोग इतना ज्यादा जागृत हो रहे हैं, और लोग बिल्कुल खो चुके थे आइडेंटिटी, मतलब सॉरी इन अदर वे, जैसे कि गुजरात में हूँ हुआ है, हाँ आई नो, जैसे कि लोग बिल्कुल भूल चुके थे, लोगों को बहुत सेकुलर हो गए थे एक्चुअली, लोगों को लग रहा था सब एक है, सब किसी से घृणा नहीं करनी चाहिए।
किसी से घृणा नहीं करनी चाहिए, लेकिन जो करने लायक है उससे करनी चाहिए। अभी भी लोग सो कॉल्ड लोग बहुत सारे जो थिएटर में मूवी देखकर बाहर आ रहे हैं और कह रहे हैं ये सब कुछ झूठ दिखाया जा रहा है। अरे तुम्हें झूठ लग रहा है, कोई बात नहीं, बहुत बढ़िया। मैंने बॉलीवुड वालों को अनफॉलो कर दिया। कश्मीरी फाइल्स 2 करोड़ टच होने वाली है, अदर डायरेक्टर भी मोटिवेट होंगे। बिल्कुल, बहुत, मैं तो चाहती हूँ। केरला में भी एक ऐसा केस हुआ था, केस का नाम भूल गई, सॉरी। तो मेरे हिसाब से उस पर भी एक मूवी बननी चाहिए। काफी लोग इंस्पायर हो रहे हैं, काफी हिंदू जग रहे हैं, सोए हुए हिंदू जग रहे हैं, अच्छा लग रहा है। मैं कोई हिंदूवादी नहीं हूं, लेकिन जो सच्चाई है उसे दिखाने में मेरे हिसाब से कोई डर नहीं होना चाहिए। जैसे कश्मीरी फाइल्स की जो डायरेक्टर हैं वो नहीं डरे, लेकिन जो सच्चाई है उसको दिखाना चाहिए, उसके बारे में पता होना चाहिए हमारे हिंदुओं को, हमारे देशवासियों को पता होना चाहिए कि क्या हुआ हमारे साथ। देखो सच में सिक्के के दो पहलू हो रहे हैं, और आज समझ आ रहा है, आज समझ आ रहा है कि कौन देश के साथ है। आज जो इनका विरोध कर रहे हैं, जो विरोध कर रहे हैं ना कश्मीरी फाइल्स का, वो वही लोग हैं जो नहीं चाहते कि ऐसी मूवी फिर बने। और आज समझ आएगा एक्चुअली कि कौन वो लोग हैं, ठीक है। अब अगर आप कह रहे हो कि हिट जा रही है तो काफी लोग बायकॉट कर रहे हैं, तो वो वही लोग हैं जो नहीं चाहते कि आगे फिर ऐसी मूवी बने। बिल्कुल, सच कड़वा होता है और किसी सहन नहीं होता है। अब विवेक अग्निहोत्री सर ने बिल्कुल, मैं तो विवेक जी को बहुत बहुत धन्यवाद कहूंगी। किसी भी तरीके से बस मेरा धन्यवाद उन तक पहुंच जाए। बहुत बहुत धन्यवाद करूंगी उनको कि उन्होंने ऐसी मूवी निकाली, बहुत अच्छा हुआ। ओके, एक बार बांग्लादेश के वो मंदिर पर भी बात करेंगे कि 17 मार्च को बांग्लादेश में एक हिंदू मंदिर जो कि इश्कॉन टेम्पल था, वहां तो पूरा मंदिर ध्वस्त कर दिया और वहां के पुजारियों को भी बहुत चोट पहुंचाई, और वहां की सरकार ने कुछ नहीं किया, बल्कि ट्विटर पे उन्होंने ट्वीट किया, किसी ने कोई रिस्पांस नहीं किया। 2 दिन बाद 3 पुलिस वाले आके खड़े हो गए। उसके बाद क्या होता? कुछ भी नहीं होता। मैं ये समझ नहीं पाती हूं कि लोगों की आंख खुल क्यों नहीं रही है। मैं ये समझ नहीं पाती हूं कभी भी कि जहां पर डिवीजन के टाइम पर 18% हिंदू पाकिस्तान की तरफ गया था, आज वो हिंदू 1% भी नहीं बचा है। क्या हुआ उनका? क्या हुआ? या तो धर्म परिवर्तन कर दिया, या फिर मार दिया, या फिर वो छुप कर रह रहे हैं। क्यों नहीं मतलब बढ़ना चाहिए ना, हिंदू डिवीजन के टाइम से बढ़ना चाहिए, 18% से 1% पर आ गया। और वहीं डिवीजन के टाइम पर जो मुस्लिम भाई यहां पर आए थे वो मतलब डबल से ट्रिपल हो गए हैं। बिल्कुल, माइनॉरिटी की तो कोई बात ही नहीं करता, सब मेजॉरिटी की बात करते हैं। और आंखें उस वक्त में खुलेंगी, उस दिन खुलेंगी जब माइनॉरिटी में हम लोग बहुत बुरी तरीके से आ जाएंगे। बहुत सारे देश नहीं है हिंदुओं के, सिर्फ एक देश है, सिर्फ एक देश। अगर आज आंख खुल गई, जो ये सेकुलर बने हुए घूमते हैं ना लोग कि सब एक है, आओ अतिथि देवो भव, सब हमारी अच्छाई का फायदा उठाया गया सदियों से, बहुत पहले से हमारी अच्छाई का फायदा उठाया गया है। हमारे ग्रंथों में हमारे पूर्वजों ने जो हमें सिखाया है, जो हमारे ग्रंथों से जो हमने सीखा है, वो बस यही था कि सब एक समान है, सबका सम्मान करना चाहिए, सबको बुलाना चाहिए अपने घर, अतिथि देवो भव हमारी प्रथा है। लेकिन हमारी अच्छाई का उतना ही हमारे ऊपर बुरा किया गया हमारे साथ, हमारी अच्छाई को लेकर। अगर एक हिंदू शास्त्र पढ़ना जानता है तो शस्त्र उठाना भी जानना, और शस्त्र सिर्फ वही तलवार चाकू खाकू नहीं होते हैं। तुम बोलना सीखो,
बोलना सीखो उनके आगे जो नहीं समझ पा रहे अपनी संस्कृति को, बोलना सीखो उनके सामने जो अपनी संस्कृति को ही गलत ठहरा रहे हैं, बोलना सीखो उनके सामने जो पाश्चात्य को अपना रहे अपनी संस्कृति को छोड़ते जा रहे हैं। देखो मैं ये मानती हूं कि अपना एक जनरेशन के साथ बढ़ना अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है जनरेशन के साथ बढ़ना, जो जो चल रहा है उसके साथ ही बढ़ना ही हमारी उन्नति है, उसमें ही हमारी भलाई है, क्योंकि हम पिछड़े हुए भी नहीं रह सकते। लेकिन अपनी संस्कृति को, अपने विचारों को, अपने ग्रंथों को, अपने संस्कारों को भूलना नहीं चाहिए, एक इंसान को बिल्कुल नहीं भूलना चाहिए। जहां बचपन से ही बच्चे को गीता रामायण इन सब के पाठ पढ़ाए जाते थे, वहीं आज ऐसे अनार नहीं सिखाया जा रहा है, ऐसे एप्पल सिखाया जा रहा है। मुझे ये समझ ही नहीं आता कि क्यों आज के माँ बाप चाह रहे हैं कि पहले हमारा बच्चा इंग्लिश सीखे उसके बाद कुछ और सीखे, क्यों नहीं चाह रहा है कि पहले गीता के श्लोक बोलना सीखे, पहले ऐसे अनार सीखे, एक और एप्पल नहीं सीखे। मैं मानती हूं कि अंग्रेजी आज की नीड हो गई है, इंग्लिश आज की नीड है, जरूरत है, लेकिन जहां जरूरत है सिर्फ वहां बोलो, अपने शो ऑफ के लिए या फिर किसी को दिखाने के लिए मत बोलो। इंग्लिश बोलना अच्छी बात है, आपको एक भाषा आती है, भाषा के तौर पर लो उस भाषा को, वहां इंग्लिश बोलो जहां जरूरत है, वहां जहां जरूरत नहीं वहां बिल्कुल मत बोलो। क्यों आज का पेरेंट्स नहीं चाह रहा है कि उनके बच्चे संस्कार सीखें, अच्छी चीजें सीखें, सिर्फ डालना चाहता है तो एक पाश्चात्य अंग्रेजी, उसको बनाना भी अंग्रेजी चाहता है, मम्मा डैडा। ओके देखो एजुकेशन सिस्टम, मैकाले की एक चिट्ठी जो उसने अपने पिता को भेजी थी, वो ब्रिटेन की आई डोंट नो कहाँ की एक लाइब्रेरी में मिली है, जिसमें मैकाले ने लिखा था कि ये जो देश है, जो इंडिया है, वो बहुत ज्यादा भावनात से भरा हुआ है, बहुत अच्छे विचारों, बहुत अच्छे संस्कारों वाला है, अगर इसको देश को तोड़ना है, इस देश को अगर तोड़ना है तो इसकी संस्कृति को खा जाओ, इनके एजुकेशन सिस्टम को बदल दो। यहां जो ग्रंथों में पढ़ाया जा रहा है वो इतना अच्छा है कि मतलब ये कभी अपनी संस्कृति को छोड़ ही नहीं सकते, इसलिए ही हमारी एजुकेशन सिस्टम बदल दी। लेकिन किसके हाथ में नहीं है आज, किसके हाथ में नहीं है अपने बच्चे के संस्कार, खुद अपने खुद के माता पिता के हाथ में होते हैं, किसी और के हाथ में नहीं होते। सबसे पहले जो सीखता है, सबसे पहला गुरु, सबसे पहली जो भी सिखाने वाली वो माता और पिता ही होते हैं। जब वो सिखाने चाहेंगे तो सीखेंगे बच्चे, जब पिता और माँ बाप, पिता माता माँ बाप जब ये सिखाना चाहेंगे कि एक और एप्पल बोल लो बेटा, इंग्लिश सीखो, इंग्लिश सीखना अच्छी बात है, तो ओके इट्स ऑलराइट। राहुल शर्मा, ओके राहुल शर्मा आप मुझे क्वेश्चन अभी टेक्स्ट कर दीजिए, सॉरी कमेंट कर दीजिए, मैं पढ़कर आपके क्वेश्चन का जवाब देती हूँ। जिसको भी जो क्वेश्चन पूछना है आप मुझे कमेंट कर दीजिए, मैं पढ़ रही हूँ। देखो जब लोग चाहेंगे तो ही सिस्टम काम करेगा, जब लोग कुछ करेंगे ही नहीं तो सिस्टम भी क्यों काम करेगा। देखो किसी को अपनी बात बोलने के लिए आज के टाइम पर कान में बोलना पड़ता है, अगर दूर से बोलोगे तो कोई नहीं सुनेगा, कितना भी चीख लो दूर खड़े होकर कोई नहीं सुनेगा, कान में आकर बोलेंगे तो सुनाई देगा, ठीक है। फ्रॉम पंजाब एंड आई नो फोर लैंग्वेजेस, हिंदी, पंजाबी, बहुत बढ़िया। मुझे तो नहीं किया।
ट्विटर पे आ जाओ। ओके, गुजरात में तो भगवत गीता। हाँ, मैंने सुना गुजरात में, मुझे बहुत अच्छी लगी ये बात कि गुजरात में भगवत गीता को एक काफी अच्छी बात है, लोगों को अपने राइट्स की ड्यूटी पता नहीं। आई स्टार्टेड दिस लाइफ, मैंने ये लाइव ऐसे ही शुरू करी है सिर्फ, मुझे कोई धीरे धीरे, हाँ मेरे को लगता है। हेलो हेलो, श्री राम राम। राम। बहुत अच्छा लगता है मैम, आप यूथ को, मैम आप यूथ को जगा रहे हो मैम आजकल, वरना आजकल की लड़कियां तो मैम आपने देखा होगा इंस्टाग्राम पे क्या क्या बहुत करती बहुत मैम, धन्यवाद भैया, बहुत बहुत धन्यवाद। किसी को मैम इतना वो ही नहीं है मैम धर्म के लिए, वरना मैम आप जैसे मैम गर्ल्स को तो क्या बोलूं आपका नेटवर्क थोड़ा सा मैम, वीक है बहुत भैया। जी मैम। मेरे को लगता है कि अगर यूथ को टारगेट करा जाएगा आज के टाइम में तो ही जी हमारा देश आगे बढ़ सकता है, क्योंकि ना तो हम बूढ़ों को और ना ही बच्चों को कुछ अभी सिखा पा रहे हैं। यूथ को टारगेट करेंगे मैम तो ही हमारा देश आगे बढ़ेगा, और सबसे पहले माँ बाप का जो धर्म बनता है वो अपने बच्चों को शिक्षा ऐसी देना शुरू से ही। मैम क्या है ना, श्रीमद् भगवत गीता में भी यही कहा गया है कि अगर शिक्षा प्रणाली टूट गई तो नष्ट हो जाएगा सब, और मैम आजकल वही है मैम, पेरेंट्स को जब पेरेंट्स ने भगवत गीता देंगे मैम शिक्षा, सबसे बड़ी चीज यही है ना। कहाँ से हैं आप? क्या मैम? कहाँ से हैं आप? जी मैम मैं दिल्ली से। ओके, बहुत बहुत धन्यवाद ज्वाइन करने के लिए। आपका नाम? प्रशांत। प्रशांत कटारिया, यस मैम, ओके प्रशांत, बहुत बहुत धन्यवाद लाइव में जुड़ने के लिए, थैंक यू बहुत बहुत मैम, मैं धन्यवाद आपसे आपके ऐसे विचार। ही आप जागरूक करते रहिए मैम प्लीज, ओके, राम राम। थैंक यू मैम, थैंक यू मैम, मुझे लाइव लेने के लिए, थैंक यू। ओके ओके देन। प्रशांत आप एग्जिट कर दीजिए। सॉरी सॉरी सॉरी। एक बार मुझे थम्स अप दे दीजिए कि मेरा आ रहा है या नहीं। हेलो, हेलो, हाँ राम राम मैम, राम राम। कहाँ से है? मैं ये बिहार, कहाँ से? बिहार 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 से हैं। ओके, राम राम, पटना। बहुत अच्छी बात है। वॉइस नहीं आ रहा आपका, वॉइस नहीं आ रहा। वॉइस नहीं आ रहा है, वॉइस नहीं आ रहा। सॉरी सॉरी, मैं आपको दोबारा ज्वाइन करती हूँ, थोड़ी देर में फिर ज्वाइन करती हूँ मैं आपको, ठीक है आदित्या? ओके। गीता शास्त्रमिदं पुण्यं यः पठेत् प्रयता पुमान। मैंने गीता नहीं पढ़ी है पूरी, मतलब मैंने यथारूप नहीं पढ़ी है, लेकिन मतलब जो हिंदी में होती है मैंने वो गीता पढ़ी है। मुझे श्लोक्स नहीं आते गीता के, लेकिन गीता पूरी पता है, और मैं श्लोक्स सीखने की कोशिश कर रही हूँ, ऐसे ही धीरे धीरे चलेगा। ओके ओके, जय श्री कृष्णा, जय श्री कृष्णा, हर हर महादेव। अब एड मी नहीं करना, क्वेश्चन है तो पूछिए, मैं जवाब देने के लिए तैयार हूँ, ऐसे ऐसे मत करिए। ओह माय गॉड, अक्षु गुप्ता, थैंक यू सो मच। देखिए एड एड नहीं करो, कोई क्वेश्चन है तो पूछिए, मुझे बहुत अच्छा लगता है जब कोई क्वेश्चन पूछता है।
मैकाले ने भी ये बोला था कि अगर किसी भी देश को तोड़ना हो तो सबसे पहले उसको यूथ को टारगेट करो, शिक्षा पद्धति को बदलो, तो देश अपने आप ही खोखला हो जाएगा अंदर से। तो सबसे जरूरी है यूथ को चेंज करना, और यूथ कैसे चेंज होगा, सबसे पहले अपने बच्चों को छोटेपन से ऐसे संस्कार देना। ठीक है, हरे कृष्णा। अच्छा, क्या क्वेश्चन है? ओके पूजा, थैंक यू सो मच। ओके देखिए, शायद कम लोग जुड़ रहे हैं, आप लाइव भेजिए। कंगना रनावत लगती हो, बहुत बहुत धन्यवाद। आप उत्तराखंड से? नहीं, मैं हरियाणा से, मैं उत्तराखंड में पढ़ती हूँ। सबसे पहले सीबीएसई स्कूल को चेंज करने की जरूरत है। हरी हरे कृष्णा, हाय हरी कैसे हैं? बोल, हरे बोल। मैं अच्छा हूँ, आप कैसे हैं? मैं भी सुंदर हूँ दिल से। ओके जी, तो लास्टली जब हमारा ऑनलाइन चल रहा था तो आपने कश्मीर फाइल, तो मैंने वो नेक्स्ट टू नेक्स्ट डे देखा था उसको। आपने एक मुझसे उस टाइम उस दिन एक बात बोली थी कि हम मूवी वगैरह नहीं, अपने वर्ड्स निकाल दीजिए, वर्ड्स निकाल दीजिए। ओके ओके मैं सेकंड। ओके तो मैं यू सबसे एक रिमेम्बर, आई बात थिंक कि मेरे करूं, वर्ड सामने। आपकी वॉइस बहुत पीको हो जाती है। ओके अभी ठीक है? हाँ ओके तो लास्ट टाइम आपने मुझसे एक बात बोली थी कि हम लोग ये सब कुछ नहीं करते हैं, मूवी वगैरह कम देखते हैं या नहीं देखते हैं। और उसके नेक्स्ट डे एक पिक्चर वायरल हुई जहाँ संत बैठकर थिएटर में मूवी देख रहे जिन्होंने कभी कोई मूवी नहीं देखी। मैं यस इतना खुश हुई वो पिक्चर देखकर, वो वायरल पिक्चर देखकर मैं इतना खुश हुई, मुझे बहुत अच्छा लगा वो देखकर। एक्चुअली पता है, मैं भी बहुत उसमें गया था, बिकॉज मूवीज वगैरह वी आर नॉट सो मच फॉन्ड ऑफ। तो हाँ हमारे अमोघ लीला प्रभु है, उन्होंने स्पेशल वीडियो बनाया दैट गो एंड वॉच कश्मीर फाइल्स, एंड इट वाज सो ओवरवेलमिंग टू मी। मतलब सो मुझे इतना अच्छा लगा ये पिक्चर देखकर, और मुझे इंस्टेंट आपका थॉट आया कि उस दिन उन्होंने, कल मुझसे उन्होंने ये कहा कि हम लोग मूवी नहीं देखते, और आज ये पिक्चर मेरे हिसाब से वो मूवी ब्लेस्ड है जो संतों ने देख जाकर देखी है। यस एंड यू नो उसको देख के जब एक फीलिंग होता है, आप मूवी हॉल में जाते हो, थिएटर में जाते हो फॉर एंटरटेनमेंट पर्पज, और जब वापस आते हो तो बहुत बड़ा मतलब कुछ एंटरटेनमेंट करके आते हो, बहुत खुश खुश निकलते हो। बट इट वॉज सो हर्ट टचिंग मूवी कि लोग पिन ड्रॉप मैंने साइलेंस नहीं था। देखा है, मैंने नहीं देखा है। आई एम जस्ट गिविंग यू द यू नो वाइब कि कैसा। नो, मैं कभी भी हॉस्टल से निकलूंगी, मैं तुरंत देखूंगी, मैं किसी से सुनना नहीं चाहती उसमें क्या हुआ। नहीं, मैं ये नहीं बता रहा क्या हुआ, मैं लोगों का रिएक्शन बता रहा हूँ, हाँ दैट ओके वो इतना पिन ड्रॉप साइलेंस में था जब तक वो मूवी चली, एंड जब एग्जिट करते हैं मूवी से तो इट वाज लाइक कि सम पीपल आर कमिंग फ्रॉम सम क्रिमिनेशन ग्राउंड, राइट, ऐसे उससे आ रहे हैं, एंड हाँ एवरीबॉडी वाज शाउटिंग हर हर महादेव, जय श्री राम, हरे ओ माय कृष्णा। गॉड। हाँ मैंने ये वाला वीडियो देखा, एक दिल्ली के एक थिएटर का था ये। मैंने लाइव एक्सपीरियंस किया इसको। मैं भी चाहती हूँ, माय गॉड, मैं भी चाहती हूँ, बताए। आई डोंट नो प्लीज हाउ, इट गिव मेरी यू बॉडी चिल। नहीं मान रही है मुझे मूवी देखने के लिए। अच्छा एक चीज है कि आपका अंदर का ना जो बचा कुचा सेक्युलरिस्ट है वो भी मार देगी। क्या मार देगी? सेक्युलरिज्म हाँ मैं तो ये चाहती हूँ कि जो सेकुलर लोग हैं, आज का जो सेकुलर लोग है, जो बड़े ही उससे कहते हैं कि हम हैं सेकुलर, उनको जरूर देखनी चाहिए वो मूवी। यस, बिकॉज जो लोग हमारे साथ गलत कर रहे हैं ना, उनका सेक्युलरिज्म नाम का कोई चीज नहीं है उनके लिए, राइट। नहीं, ये तो है। और मैं मानता हूं, जैसे आई एम ए भगवत गीता फॉलोअर, तो भगवान स्वयं बताते हैं कि आपको अहिंसा रखनी है लेकिन किसके साथ नहीं रखनी है इसका भी ज्ञान दिया जा रहा है। तो शास्त्र ये भी बताता है कि शस्त्र उठाना कब है। अभी मैं आपका लाइव देख रहा था, आपने बड़ा अच्छा बताया था कि शास्त्र और शस्त्र भी उठाना पड़ता है जहां जरूरत होती है। तो मैं बस वही कोट कर रहा हूं कि भगवत गीता में ये भी बताया है कि शस्त्र उठाना कब है। 6 तरह के व्यक्तियों को हम मार भी सकते हैं,
वी कैन किल, बट हम शास्त्र नहीं पढ़ रहे, हम अपनी फिलॉसफी को नहीं जान रहे, हम अपने कल्चर को नहीं समझ रहे, एंड देन वी क्वेश्चन आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट, बिल्कुल जो पता ही नहीं है. बस कहाँ है भगवान, हमें तो नहीं दिखते भगवान. अरे तुमने कभी फील भी किया है इस सब चीज को? तुम बोल रहे हो कहाँ है भगवान. अब ऐसे तो किसी ने, जिनको कोई परवाह ही नहीं है हमारे कल्चर की, हमारी संस्कृति की, तुम वही लोग हो जिनको कोई फर्क ही नहीं पड़ता कि हम थोड़े से लोग बचे हुए हैं, हम मुट्ठी भर लोग एक्चुअली मुझे मुझे इसमें लगता है इसमें हमारी भी गलती है, बिकॉज लोगों को ना प्रॉपर नॉलेज का जो गाइडेंस होना चाहिए ना, लैक वो ऑफ है, लैक ऑफ नॉलेज. लैक ऑफ नॉलेज. देयर वाज अ टाइम आई बिलीव आई वाज सम काइंड ऑफ अथीस्ट, नॉट प्रॉपर अथीस्ट, बिकॉज आई वर्शिप हनुमान जी एंड आई डू यू नो मंगलवार सेवा एंड ऑल दैट थिंग, बट एक हेजिटेशन था मंदिरों को लेके, बिकॉज जहां मंदिर जाते थे वहां पुजारियों को नहीं पता होता था बहुत सारी चीजें, बिकॉज वो भी बहुत फॉलो कर रहे हैं, इस तरह से था. मैं ये बात मैं मान सकती हूँ. तो लोगों का हाँ, ना मैं वो बहुत कम से ट्रस्ट मान सकती हूँ. हो जाता है, लेकिन जब उनको प्रॉपरली ये बताया जाए ना कि वाई समथिंग इज हैपनिंग, लाइक जैसे ओ माई गॉड मूवी आई थी, तो उस मूवी का क्या था ना कि उसने हिंदूज को ये बताया कि भाई खाना है जल, क्यों चढ़ाना है दूध, क्यों चढ़ाना माइंड है. को इतना मैन्युपुलेट करा है उस मूवी ने. एक बार के लिए मेरे खुद के फादर मैन्युपुलेट हो गए थे. हाँ मतलब मेरे फादर मुझसे ये बोल रहे हैं कि सही तो कह रहे हैं. मैंने कहा पापा क्या बात कर रहे हो. तो इसके लिए एक प्रॉपर, फिर हम लोगों ने थैंक्स कि मैं ऐसी संस्था में हूं जो इन चीजों को एड्रेस करती है प्रॉपरली, ताकि लोग भटके नहीं. तो उन्होंने बताया प्रॉपरली कि भाई आपका ये भाव है कि आप किस क्या चढ़ाना चाहते हैं, और दूसरी बात उसका प्रॉपर एक विधि है. अब लोकल टेम्पल्स के पास जो हमारे छोटे मंदिर होते हैं उनके पास इतनी सुविधा नहीं होती कि उसको स्टोर कर सकें या उतने, और मंदिरों की आवश्यकता हर जगह है, राइट? एक छोटी सी कॉलोनी में भी होना चाहिए, एक बड़े शहर में भी होना चाहिए. तो वो प्रॉपर अरेंजमेंट की वजह से चीजें थोड़ी सी वो हो जाती है, बट नॉलेज को अगर हम बेस बनाए ना, और तो फिर हम काफी ग्रो करेंगे. एंड चैतन्य महाप्रभु जो हमारे आ, 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 उसके काफी क्या कहते हैं भक्ति संकीर्तन मूवमेंट के लीडर भी हैं, ही इज द भगवान हिमसेल्फ, कृष्ण राधा अवतार बोला जाता है. उन्होंने तो हाँ, बोला एक्चुअली मेरे यहाँ आदर्शों में स्वामी जी प्रभुपाद जी भी लगे हुए हैं. हरि बोल, और जय श्रीला प्रभुपाद. आई जस्ट बिलीव कि जितने भी हाल लगे हुए हैं आदर्श में, सब सच में सब आदर्श ही हैं. यस, यू नो हाँ, एक गुरु मिनट मैं शिष्य खाने की कोशिश परंपरा करती में गुरु हूँ. परंपरा का आशीर्वाद बहुत जरूरी है. जस्ट अ मिनट, मैं कोशिश एंड करती हूँ दिखाने की. ओके, जस्ट दिस इज ओके ओके. हरी हरी, हाँ, यस, श्रील प्रभुपाद की जय. तो अच्छा लगता है मुझे. ओके, यस, देन और किसी को हम ऐड कर लेते, नहीं तो कहेंगे आज ये ही सेशन रखा है इन लोगों ने. लास्ट टाइम भी ऐसा कुछ हो गया था, हम फ्लो में बह नहीं गए नहीं थे. एक्चुअली क्योंकि सबको यही प्रॉब्लम हो जाती है कि आप इतनी देर देर तक ज्वाइन करते हो और हमें नहीं ज्वाइन करते हो. ओके, ओके देन, हरी बोल. थैंक यू, हरे कृष्णा. ओके, लास्ट एंड में वन आपको मोर, मैंने रिमाइंड करा, गीता शास्त्रम इदं पुण्यम यः पठेत् त्यजता पुमान विष्णु पाद वापिनोति. ओके, समथिंग दैट. अरे अरे, वन थिंग आई वांट टू आस्क, हाँ, अमोघ लीला टूजी वाज अबाउट टू कम देयर इन योर कॉलेज? देहरादून. देहरादून ओके, इन देहरादून. ओके, आई थॉट यू आर गोइंग टू मीट हिम आल्सो, ही इज सच अ ग्रेट पर्सनालिटी. मेरी वार्डन कहीं नहीं जाने देगी मुझे. ओह, इट्स ओके, कोई बात नहीं, हम शास्त्रों को स्क्रीन के माध्यम से लोगों के घर घर पहुंचाने का प्रयास करेंगे. ओके, हरे हरे कृष्णा, कृष्णा, हरे कृष्णा. हरे कृष्णा. ओके देन, हुज नेक्स्ट? स्टार्टिंग से स्टार्ट करते हैं. जिस समय मैं पानी की बोतल ले आऊं. गाइस गाइस, बहुत कम लोग हैं. आप लोग लाइव भेजते नहीं हो ना कहीं पर? देखो, इंफॉर्मेटिव लाइव होती है तो भेजा करो ना. मुझे कोई
फॉलोवर से कोई तकलीफ नहीं है, कम हो या ज्यादा हो, अगर इन्फॉर्मेटिव लाइफ है तो जरूर शेयर करो ना लाइफ को. आई वॉन्ट टू शेयर अ लॉट ऑफ थिंग्स. आई आस्क टू माई फ्रेंड प्लेस टू ऑल्सो स्टेटमेंट विद यू सो ही कैन मेक अ कन्वर्सेशन. रोहित, ओके रोहित, ओके कम लोग होते हैं तभी अच्छी बात होती है सारी लाइफ में. अरे यार प्लीज ये सब मुझसे मत बोला करो कि सारी लाइफ में होता हूँ फिर भी ऐड नहीं करते हो. मैं मंजी नहीं कैसा करती हूँ कभी भी. हाँ एट द रेट लोगों को भेजो. नहीं आप लोग बोल रहे हो कम लोग होते तो अच्छी बात, नहीं ऐसा कुछ भी नहीं है. कम लोगों को इन्फॉर्मेशन पहुंचती है ऐसे. ओके कि राहुल शर्मा मैंने आपको ऐड कर लिया है. हाय यार ऐड मी नहीं करना प्लीज. हेलो हेलो मैम. हेलो हेलो. राम राम. राम राम. जय श्री कृष्णा मैम. जय श्री कृष्णा मैम. आपका छोटा सा फैन. बहुत बहुत शुक्रिया लाइव में जुड़ने के लिए. कहाँ से हैं आप? मैं राजस्थान बीकानेर देशनोक. ओहो बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया. थैंक यू सो मच. क्या नाम है आपका? राहुल शर्मा. ओके राहुल बहुत बहुत धन्यवाद जुड़ने के लिए. अरे मैम आपकी दया है. मैम आप हरियाणा से हो गया? हाँ मैं हरियाणा से हूँ. मैंने वो कश्मीर फाइल देख ली. आपने देख ली मैम? नहीं मैं नहीं देख पाया. आपने देख ली? हाँ मैम देख ली, मतलब कि मोबाइल में ही देखी है फ्री में. कोई बात नहीं बहुत अच्छा आपने देख ली, ये बहुत बड़ी बात है. मैम देखी थी हमने, अच्छी मूवी बनाई गई है. चलो राहुल मैं और लोगों से बात कर लेती हूँ. ओके ओके मैम. ओके ओके बाय. थैंक यू फॉर देखो सबको ही धन्यवाद है लाइफ में जुड़ने के लिए. बहुत बहुत धन्यवाद आप लोग जुड़े और लोगों को जोड़ो प्लीज. बहुत कम लोग जुड़े हुए हैं. मुझे ये समझ नहीं आता आजकल बहुत कम लोग जुड़ते हैं. मुंबई में आपकी जैसी लड़कियां मिलती हैं नहीं सब. राहुल सिंह क्या बोलोगे? भाविन और इन्होंने मेरी फोटो लगा रखी है. ओके भाविन थैंक यू सो मच. ओके यार ऐड मी नहीं करो. इश्कॉन के पीछे क्या मेरे से ये सब सवाल नहीं पूछना प्लीज. एक बात किसी ने बहुत अच्छी बोली है कि कभी भी किसी की आस्था को ठेस मत पहुंचाओ. जिसकी आस्था जिस चीज में है उसकी आस्था को बने रहने दो, क्योंकि अगर दूसरे की आस्था को ठेस पहुंचाओगे आपकी खुद की आस्था नहीं बचेगी. चाहे कोई एक मिट्टी के टुकड़े में आस्था रख रहा हो, एक पेड़ की डाल में आस्था रख रहा हो, जहां आस्था रखोगे वहीं प्रभु मिलेंगे. तो किसी की आस्था को ठेस मत पहुंचाओ. जिसकी जिसमें आस्था है उसको करने दो. ओके सबसे पहले हमने सभी स्कूल को चेंज की जरूरत है. देखो हम नहीं चेंज कर सकते हैं, मतलब सरकार एकदम से नहीं चेंज. हेलो राधे 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 राधे. अच्छा आपको तो मैंने पहले भी बोल रखा है. नहीं
बहुत बात। कैसे हाँ आपने मेरी हो? मदद, बढ़िया। यही यही आप फायदा उठा रहे हैं ना। अरे ऐसा नहीं है, मतलब फैन है तो फिर वो होना चाहिए ना, फॉलो अच्छा करते ओके, हुए। हाँ आपके जो मतलब लेकिन मैं थॉट्स आप है किसी और को सब कुछ। जोड़ने वाली हूँ क्योंकि बहुत सारे लोग वेटिंग में बैठे हुए हैं। हाँ 2 मिनट तो दीजिए, बाद में जोड़ते रहना, कोई जी मना नहीं। जी नो रियल प्रॉब्लम। में बहुत आपके जो थॉट्स है ना, मतलब बहुत अच्छे है। और मैं पूरी मतलब आप मानो ना, मतलब डिफरेंस तो कभी कभी नहीं आया, मगर आपके सारे थॉट्स है ना वही थॉट्स मेरे हैं, और आपके थॉट्स मुझे बहुत पसंद आते हैं, इसलिए फैन हूं मैं आपका, कि बहुत बहुत मतलब धन्यवाद, बहुत बहुत बढ़िया बहुत बिजनेस। धन्यवाद भाविन। बोलिए कुछ बस। बाकी तो भगवत गीता वाला टॉपिक मुझे पसंद आया, कि वो होना चाहिए, वो जरूरी है संस्कृति के लिए। बस बाकी कस्टमर थोड़े फाइल्स गुजरात से पे हैं ना आप, गुजराती। तो गुजरात में तो भगवद गीता आ गई है ना एजुकेशन सिस्टम में। नहीं हाँ आ गई है, मगर मैं तो बहुत पहले से फॉलो करता हूँ, मैं जब नहीं छोटा था आप तब तो से मैंने फॉलो कर पढ़ा रहे हैं, हुआ लेकिन जो है। बच्चे हैं वो फॉलो नहीं करते हैं ना। नहीं करते, नहीं करते, नहीं बहुत ज्यादातर लोग नहीं करते हैं, मगर अब धीरे धीरे सब लोग करेंगे। मैं तो मतलब पहले से ही भगवान श्री कृष्ण का सबसे बड़ा फैन रहा हूँ, और मैं उन सब कुछ उन्हीं को मानता हूँ, तो भगवद गीता तो कंपलसरी है, वो तो पहले से ही होती ओके है। बस तो बस वो मैंने पढ़ा हुआ है, और उसका जो मतलब उन लोगों का कहने का जो है ना, कि भाई मतलब उसका सार सार बोलते हैं ना, जो अगर वो अपने जीवन में ले लिया तो फिर किसी बात का दुख नहीं रहता, फिर तो आप बिल्कुल सब कुछ बिल्कुल समझ जाओगे कि लाइफ क्या है, कैसे जीना है। वो मतलब बिल्कुल हर बिल्कुल, वक्त बहुत जो माइंड का वही स्टेट होता गीता है ना, सिखाती ना है। सुखी होना है ना दुखी होना है, और माइंड का लेवल जो स्टेट लेवल स्थिरता जो बनाए रखनी है ना, तो बस अगर आप सार जान गए तो फिर किसी चीज की चिंता नहीं रहेगी। और भौतिक सुख जो भी हमें मिल रहे हैं, मतलब वो फैसिलिटीज वगैरह जो भी, तो वो सिर्फ एक यूज के लिए है, मगर उसको मन पे नहीं लेना है, और हमेशा खुश रहना है किसी भी परिस्थिति में। बस अल्टीमेटली सार तो वही है भगवद गीता का। तो मैं मानता हूँ कि सभी लोगों को ये चीज सीखनी चाहिए और जानना चाहिए क्या है, भगवान ने क्या बोला है तभी अब वो सब। एजुकेशन सिस्टम में आ रहा है ना। तो अच्छी बात है। ओके भाविन, किसी और को सेल्फी, ऐड कर लेते हैं। हाँ एक सेल्फी ले लेते हैं उसके बाद स्माइल। ओके बाय, ओके बाय, अब लेकिन मिलते ऐसे रहेंगे। और कभी भी नहीं ओके बाय, लेकिन ऐसे आप तुम लेटे हुए हो ऐसे नहीं कभी किसी के साथ लाइव आना। बैठो आराम से, अच्छे से बात करनी चाहिए, ठीक है। नहीं अब मैं बिल्कुल, ऐसे मैं ध्यान लेट ध्यान कर अगर रखूंगा। लाइव आऊंगी तो अच्छा लगेगा। नहीं, सही बात है। मैं ना बहुत टाइम तक मैं वेट कर रहा था कब मुझे ऐड करे ऐड करे, तो फिर मैं वेट करते करते थक गया, इसलिए सॉरी, इस बात का मैं ध्यान रखूंगा आगे नो से। प्रॉब्लम नो प्रॉब्लम नो प्रॉब्लम नो प्रॉब्लम नो ओके प्रॉब्लम। ओके बाय। ओके बाय। ओके अगेन। ओके हेलो राधे राधे। विपिन नागर जाट, ओके विपिन नागर जाट, हेलो। ओके ओके हाय, हेलो हेलो सबको, हाय राम राम। रिक्वेस्ट भेज दीजिए दीजिए वहां पर, नहीं ऐसे हेलो हेलो करना कि मुझे ऐड कर लीजिए, आप रिक्वेस्ट भेज दीजिए। ओके राधे राधे दे पांडे। ओके 40 साल से मैं मुसलमानों के बीच रहा हूँ, जब से मोदी आए हैं तो डिफरेंस आ रहा है। वो तो है ही वो तो। संस्कृत टीचर हैं आप अभी, J1137। जय श्री राम। ओके नाउ लाइव को एंड करने का वक्त आ चुका है दोस्तों। ओके जब ऐसी मूवीज आया करती थी ना जिसमें हमारी संस्कृति को बड़ा नीचे दिखाया जाता था, हमारे गौरव को नीचे झुकाया जाता था, तब लोगों को बड़ा अच्छा लगता था। वो अकबर, जो 4 फुट का अकबर, जिसको इतना महान, दी अकबर दी ग्रेट कहा गया, तब लोगों को बड़ा अच्छा लगता था, बहुत अच्छा लगता था। और जब ये मूवी दिखाई, जो असलियत दिखाई जा रही है, जबकि पूरी असलियत नहीं है ये भी, ऐसी मूवी दिखाई जा रही है, तो लोगों को बड़ी दिक्कत हो रही है, बड़ी प्रॉब्लम हो रही है कि
कि नहीं नहीं मुसलमानों के साथ भी तो बुरा ही हुआ था, ये तो गलत दिखा रहे हैं, सिर्फ हिंदुओं के बारे में दिखा रहे हैं। अरे तुम सेकुलर लोग हो भाई, तुम समझो इस बात को, तुम्हें समझने की बहुत जरूरत है और ऐसी मूवी देखने की बहुत जरूरत है तुम्हें, और तुम चाहते हो, तुम सोच रहे हो कि तुम्हारे इन सब बातों से कि आगे मूवी ऐसी नहीं बनेगी, तो अब तो ऐसी ही मूवी बनेंगी और देखी देखनी पड़ेंगी, देखी जाएंगी भी और ब्लॉकबस्टर भी जाएंगी और मिलियंस और करोड़ों कमाएंगी भी। ठीक है, अकबर एक ऐसा आदमी था जो 4 फुट का भी नहीं था और मूवीज में ऐसा बनाकर दिखाया जाता कि अकबर दी ग्रेट को, वो एक ऐसा छिछोरा आदमी था जो मीना बाजार इसलिए लगाया करता था कि जहां पर वो सुंदर लड़कियां आए और उनको चुरा कर लेके जाए और अपने हरम में रखे, उनका यूज करे और थ्रो कर दे, वो आदमी था अकबर। मैंने एक चीज I will join you, Sony Azad. Okay, your expression is too good and as well as intention. Thank you so much, Khush Panchal. Hello. Hi. Ram Ram. मैम मैंने आपको एक मैसेज सेंड किया है पर्सनली और मैंने अभी आपकी लाइव पर भी देखा है, तो मैम आप उसको थोड़ा सा आप देखिए ना। नहीं समझ आया आप क्या कहना चाहते हैं, आपका इंटेंशन क्या है? नहीं समझ। पर्सनली एक मैसेज मैंने सेंड किया हुआ है मेरी आईडी से, आप उसको एक बार देखिएगा। आप बोल सकते हैं लाइव पर? मैम वो थोड़ा सा ऐसा है कि आप देखिएगा उसको तो आपको समझ में आएगा। ओके देन आप उसको समझिएगा, मतलब वो क्या है कि मैं ऐसे लाइव होके बताऊंगा आपको तो आपको शायद वो थोड़ा सा अजीब सा लगेगा सबको सुनने में भी, लेकिन ऐसा मैं यहाँ पे देख रहा हूँ भोपाल के अंदर और ऐसा हो भी रहा है तो मुझे अच्छा नहीं लग रहा है वो चीज, आप देखिएगा। ओके मैम, ओके बाय बाय मैम, राम राम मैम। ओके नाउ लवली वॉइस राधे, थैंक यू विपिन नागर जाट। हेलो, ये अंधेरा है या फिर दिखाई नहीं दे रहा कुछ? हेलो 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 हेलो, इफ यू आर नॉट एबल टू ज्वाइन। हाय दी, हेलो। हाय दी, अभी वॉइस आया लेकिन आप शो नहीं हो रहे हैं। श्रद्धा शर्मा? हाँ मैं श्रद्धा शर्मा ही हूँ। व्हाट हैपेंड श्रद्धा? मैं बता नहीं सकती कि कितनी खुशी हूँ आपने मुझे ज्वाइन किया है। ओके माय प्लेजर, माय प्लेजर। बहुत बहुत कैसे हो आप? अच्छी हूँ। अच्छा तो आपको पता है कि मुझे आपकी वीडियो बहुत ज्यादा पसंद है। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। अच्छा आप ये बताओ आप कहाँ रहते हो वैसे? मैं हरियाणा से हूँ, मैं उत्तराखंड रहती हूँ, पढ़ती हूँ उत्तराखंड। अच्छा तो आप तो फिर वृंदावन तो मतलब आते जाते रहते होंगे ना? काफी बार। अच्छा मैं भी गई थी एक बार। ओके तो श्रद्धा, मैं तो एक बार ही गई थी। श्रद्धा एक तो आप शो नहीं हो रहे हैं, दूसरा आप मुझे डीएम करिए, मैं तब बात करती हूँ आपसे। ठीक है, बहुत सारे लोग आप वेटिंग में, आप दिख नहीं रहे हो। चलो ठीक है, ओके बाय बाय। ओके ओके, आपको मेरी आपको मेरी कसम, कसम कौन चढ़ा रहा है भाई, ऐसा थोड़ी होता है। ओके अच्छा मुझे ये बताइए कौन है यहाँ हरियाणा से, कौन है?
गोपाले राधे कृष्ण गोविंद गोविंद, हे गोपाले राधे कृष्ण गोविंद। लव जिहाद के बारे में क्या विचार है आपके? मेरे हिसाब से काफी लोग जान चुके होंगे कि जिहाद क्या है, अब तक तो जान चुके ही होंगे, और लेकिन अगर जिनको भी अभी तक भी ये नहीं पता है कि जिहाद क्या है, तो पहले जिहाद के बारे में जानिए कि क्या है लव जिहाद। ओके, मैं हूँ गुजरात से। कौन? ओके गाइस सॉरी, मेरी वॉइस आ रही है, एक बार मुझे एक बार थम्स अप कर दीजिए। हरियाणा से हूँ, गुरुग्राम से। बहुत बहुत धन्यवाद रोहतक से, बहुत बहुत धन्यवाद जुड़ने के लिए। आवाज धीरे आ रही है आपकी। ओके, आई एम फ्रॉम कुरुक्षेत्र, बहुत बहुत धन्यवाद जुड़ने के लिए। हम सब थैंक यू सो मच। ओके राधे, आप कहाँ, हरियाणा में कहाँ से हैं? मैं रिवील नहीं करती, मैं नहीं बताऊंगी मैं कहाँ से हूँ, मैं हरियाणा से उतना बताऊंगी। हेलो, मैम आई ऑडिबल? हेलो मैम, नमस्ते। हरे कृष्णा। मैम मैं खतौली से हूँ, यूपी से। कहाँ से? यूपी से, खतौली से, मुजफ्फरनगर यूपी से। अगर एक्सटर्नल वॉइस थोड़ा हट जाए आसपास से तो ज्यादा अच्छा रहेगा। जब टीवी बंद करता हूँ। देखो जो भी ज्वाइन कर रहा है मेरे हिसाब से एकांत में लाइव है, क्योंकि मैं बहुत इंफॉर्मेटिव लाइव बना रही हूँ आज। मैम 2013 में आपने सुना होगी यूपी में हिंदू मुस्लिम हुई थी। आवाज नहीं आ रहा आपको, वॉइस नहीं आ रहा क्लियर। तो 2013 में आपको याद होगा कि हिंदू मुस्लिम हुई थी। रघुवंशी जय हिंद, आपका जो वॉइस है वो बहुत ब्रेक हो रहा है, आपकी नेटवर्क अच्छी नहीं है। ओके मैम, अब आ रही है मैम? हाँ आ रही है। अब आ रही है बोल? जी बिल्कुल मैम। 2013 में जो आपको बताओ हिंदू मुस्लिम हुई थी मुजफ्फरनगर में। हाँ मुजफ्फरनगर में हिंदू मुस्लिम हुई थी, आपको याद हो 2013 में? आई डोंट नो अबाउट दिस एनीथिंग। मैम उस टाइम पे अखिलेश की सरकार थी यहाँ पर। अखिलेश की साउंड कौन आ रही है मैम वही? रघुवंशी जय हिंद, आप मुझे डीएम करिए, मैं आपका जरूर जवाब दूंगी। ओके क्योंकि ऐसा नहीं अच्छी सही बातें हो रही हैं। ठीक है, जो लोग अगर चाह ही रहे हैं अच्छे से मुझसे बात करना तो मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है डीएम का। अगर डीएम में बकवास करोगे, मैं डीएम देखती हूँ, ऐसा नहीं मैं नहीं देखती हूँ, बस मैं इग्नोर कर देती हूँ वो सब देखकर कि आप बहुत सुंदर हो, ब्यूटीफुल, कर्ली हेयर्स, आई लव इट, फलाना ढिमकाना देखकर मैं उनको इग्नोर कर देती हूँ। बाकी अगर इन्फॉर्मेटिव कोई चीज है मुझे बताता है डीएम में, मैं जरूर बात करती हूँ उससे, और काफी लोगों को यहाँ पता भी होगा मैं सच में बात करती हूँ। ओके मनस्वी, मैं आपको ज्वाइन कर रही हूँ। मनु सेंड मी रिक्वेस्ट ना। मनस्वी रिक्वेस्ट सेंड कर दीजिए मुझे, मैं आपको ज्वाइन कर लूंगी। ओके आप कृष्ण जी की तरह, बहुत बहुत धन्यवाद।
करना है सांतनी लोगों तथा खान की मूवी को हजारों हिंदू भाइयों को कट कर रेलवे ट्रैक पर डाल दिया था उनकी बात ने मैं इसके बारे में पढ़ूंगी एक बार देखूंगी रघुवंशी जय हिंद मैं फिर आपसे बात करती हूँ मुझे नहीं पता इस केस के बारे में अब जो नहीं पता मैं क्यों ही झूठ बोलूं पाल यादव ओके देन काफी लोग कम हो चुके हैं तो जानने का वक्त भी हो चुका है वैसे भी लोग आज बहुत ही कम जुड़ रहे हैं आजकल मुझसे लोग खफा हो गए मैं ज्यादा ही हिंदुत्व और ऐसी बातें कर रही हूँ कश्मीरी फाइल्स को लेकर बहुत ज्यादा बातें कर रही हूँ तो लोग बुरा मान गए हैं शायद कम ज्वाइन होते हैं नहीं ओके नाम ले दो मेरा मिस्टर वराभी भी ओके मुझे मराठी नहीं आती आप सिखा देना बबशीष ओके बस 9 बजे बिल्कुल मैं एंड कर दूंगी अभी जिसको जो बोलना है एक दो क्वेश्चन पूछना है पूछो मैं किसी को ऐड नहीं कर रही हूँ रोहित हेलो हेलो तुषार हेलो शुभे हेलो अच्छी बात है सैनी अभिषेक नाम है मेरा अभिषेक हेलो अभिषेक कैसे हो आप रोहित स्वामी हेलो राधे कृष्ण हेलो ओके राधे कृष्ण माय गॉड मैं भी ज्वाइन करना चाहूंगा मैं इनको फॉलो करती हूँ ना ओके बहुत थैंक यू बहुत बहुत धन्यवाद जय जगन्नाथ राधे राधे मैं एक चीज जिस पर आई थिंक आपको मुद्दा उठाना चाहिए सारे हिंदू यूथ आपके सुनते हैं पसंद करते हैं अभी समय ऐसा है जिसमें हिंदू लड़की मुसलमान लड़कों के साथ रिलेशनशिप में मैं उठाऊंगी मुद्दा इस चीज का भी रघुवंशी आप थोड़ा पैनिक मत हुई है मैं आपसे बात करूंगी पर्सनली बात करूंगी आप बार बार यहाँ मैसेज करोगे तो सब कुछ मैस हो जाएगा ना बिल्कुल बिल्कुल सच्चाई का सामना बहुत कम लोग कर पाते हैं हे दी कैसे हैं बिल्कुल अच्छी हूं मैं प्लीज राधे कृष्ण वाला जो पेज है वो मुझे एक बार मैसेज कर दीजिए कमेंट कर दीजिए आई विल हैप्पी ओके नाउ 9 बज चुके हैं और जाने का वक्त आ चुका है तो बहुत बहुत धन्यवाद जितने भी लोग यहाँ पर जुड़े जितने भी लोगों ने ज्वाइन किया बहुत बहुत शुक्रिया बहुत बहुत धन्यवाद बहुत बहुत आभार आपका जुड़ने के लिए और मुझे सपोर्ट करने के लिए और बहुत इवन मैं जानती हूँ कि आप लोगों की वजह से ही मैं इतना कर पा रही हूँ इतना बोल पा रही हूँ क्योंकि अगर यहाँ पर अगर मेरे फॉलोअर्स नहीं होते तो मैं नहीं बोल पा रही होती और देखो मुझे मैं थिएटर सीख चुकी हूँ मैं एक लास्ट बात ये बोलना चाहूंगी मैं थिएटर सीख चुकी हूँ मुझे एक्टिंग करना बहुत अच्छा लगता है तो इसलिए मैं अगर अदर रिलीजन से अलग कुछ वीडियोस बना रही मुझे अच्छा लगता है मैं इसलिए बनाती हूँ मैं आपकी भावनाओं का सम्मान करती हूँ मैं वो वीडियोज भी बनाती हूँ जो आप लोगों को पसंद है रिलीजियस वीडियो थोड़ी सी धार्मिक वीडियो लेकिन मुझे भी पसंद है एक्टिंग करना इसलिए मैं दूसरी टाइप की वीडियो भी बनाती हूँ तो उसके लिए आप मुझे गंदे कमेंट या भला बुरा ना कहें मुझे बहुत पसंद है एक्टिंग करना एक्चुअली सिर्फ ये जो एक्टिंग की दुनिया बहुत खराब है इसलिए जाना भी नहीं चाहती मैं वहां पर तो मेरी भावनाओं का भी सम्मान करिए आप लोग
अगर मैं दूसरी तरीके की वीडियो बना रही तो उनको प्लीज राधे राधे ओके बाय बाय 9:01 हो चुके हैं सबको राम राम हरे कृष्णा राधे राधे बहुत बहुत धन्यवाद मुझे सपोर्ट करने के लिए मेरी लाइव में जुड़ने के लिए बाय 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 गाइस हरे कृष्णा राधे राधे जय सियाराम हाय कोमल आप बहुत लेट हो चुके हैं पर कोई बात नहीं राधे राधे हरे कृष्णा शुभ रात्रि ओके शिवम सैनी थैंक यू सो मच आई आल्सो लव माय हेयर्स आज अच्छे नहीं हो रहे हैं फिर भी अच्छे हो रहे हैं ओके बाय ये श्री कृष्ण के बाल थे ना ऐसे घुंघरा ले तेरे लट घुंघराले बाल तेरे काले काले बाल ओके हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्णा बाय बाय राधे राधे शुभ रात्रि तो लाइव